नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी हमारी ये फ्री कंसल्टेंसी सर्विस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बर्ड डिटेल्स के साथ डाल दीजिए और हम कोशिश करेंगे अपने आने वाले वीडियो में आपको ये फ्री प्रिडिक्शन दे पाए। धन्यवाद। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, हो सकता है आपकी प्रिडिक्शन इस वीडियो के अंदर हो चुकी हो या फिर पिछले वीडियो के अंदर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, क्योंकि हमारे को बहुत सारी मेल्स मिल रही हैं और बहुत सारी फेसबुक पर रिक्वेस्ट आ रही है सेम लोगों की जिनकी प्रिडिक्शन हम पीछे पहले कर चुके हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप सेम रिक्वेस्ट हमें बार बार करेंगे तो उसकी प्रिडिक्शन हम नहीं कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, हमारे सबसे पहले रिक्वेस्ट जो आई है उसके बारे में बात। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले रिक्वेस्ट की। सबसे पहले रिक्वेस्ट आई है रूबल प्रीत जी के, और रूबल प्रीत जी का सवाल है कि इनका एक एग्ज़ाम है 9 दिसंबर 2018 को, क्या ये क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और दूसरा इनका सवाल है कि शादी कब होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि 9 दिसंबर को। देखिए रूबल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए हमें सबसे पहले प्रश्न कुंडली यूज़ करनी पड़ती है, और प्रश्न कुंडली का आपसे बात करना हमारा बहुत ज़रूरी है। या हम फ़ोन पर बात कर सकते हैं, या स्काइप पर बात कर सकते हैं, या आप सामने हो, क्योंकि ये जो प्रश्न कुंडली होती है इसके अंदर हमें आपसे एक सीड लेना होता है, उसके बिना हम इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते। तो आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूंगा, जिसके अंदर आपने पूछा है कि शादी कब होगी। तो ये चेक करते हैं, आपका पीरियड इस टाइम पे चल रहा है, शादी में थोड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। इस टाइम आपका राहु, सैटर्न और वीनस का पीरियड चल रहा है, शादी के लिए पॉजिटिव भी है, मगर कुछ शादी में प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं मैं आपको बता सकता हूँ। बताना चाहूँगा कि आपको जो इस टाइम पे रिश्ते भी आ रहे होंगे, या अगर कोई अप्रोच भी कर रहे होंगे, वो या तो आउट ऑफ कास्ट होंगे, या थोड़ी एज ज़्यादा होगी, तो ये कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की प्लैनेट्स की तरफ से पूरी कोशिश होगी कि आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो ही शादी हो पाएगी। हाँ जी, तो ये मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि शादी के योग तो पॉजिटिव हैं, होपफुली फरवरी से पहले आपकी शादी के पूरे पूरे चांसेस बन जाएंगे, शादी का रिश्ता भी हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि शादी का जब रिश्ता हो तो उसके बाद ज़्यादा गैप मत डालिए, क्योंकि प्लैनेट्स आपके थोड़े से शादी के मामले में वीक हैं, और अगर वीक ना होती तो अब तक शादी हो चुकी होती। तो इसके वीक होने की वजह से जैसे ही अगर ये पीरियड या ये दशा चेंज हो जाएगी तो फिर हम ये कह सकते हैं कि रिश्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो कोशिश कीजिए कि जैसे ही आपका रिश्ता होता है या कहीं भी आपकी बात बनती है, क्योंकि इस टाइम पे तो ज़्यादातर आपके रिश्ते जो आ रहे होंगे वो आउट ऑफ कास्ट या थोड़ी सी बड़ी एज के आ रहे होंगे, तो हम आशा करेंगे कि अच्छे रिश्ते आपके पास आएँ। तो अगर आपका कहीं भी कमिटमेंट होती है तो उस कमिटमेंट को कोशिश कीजिए कि इसको लॉक करके आप उसको शादी में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर प्लैनेट या दशा चेंज होगी तो फिर इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी इसके कुछ उपाय होते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं YouTube चैनल पे नहीं बता सकता, तो इसके लिए अगर आप हो सके तो हमारे नीचे नंबर जो दिया होगा उस पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारी अगली रिक्वेस्ट की। हमारी अगली रिक्वेस्ट है मिथिलेश जी की, आइए बात करते हैं मिथिलेश जी के बारे में। मिथिलेश जी का सवाल है कि वो किस फील्ड में जा सकते हैं। जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ मिथिलेश जी का, मिथिलेश जी आपका थोड़ा सा हार्ड टाइम शुरू हुआ है लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर अगर मैं आपका चेक कर पा रहा हूँ तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक, काफ़ी इमोशनल हर्टिंग आपके साथ हुई है, कुछ अनस्टेबिलिटी भी आई है, एंग्जाइटी बहुत बढ़ी है, आपको समझ नहीं आ रहा कि किस फील्ड में जाऊं, राइट लेफ्ट बहुत ऑप्शंस आ रही हैं, मतलब आपके माइंड की स्टेबिलिटी लास्ट ईयर से काफ़ी हिल चुकी है। तो अगर आप सजेशन की बात करें तो आपका जो इस टाइम पे अगर मैं चेक कर पा रहा हूँ जो पीरियड चल रहा है वो राहु और वीनस का चल रहा है, राहु वीनस मून। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि किस फील्ड में जाएं, देखिए जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप के अंदर एक क्वालिटी है, अगर हम
खराब प्लैनेट्स को ना देखें, क्योंकि खराब प्लैनेट्स तो हैं जो आपको इमोशनली हर्टिंग और थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे, मगर अगर हम खराब प्लैनेट्स की तरफ ना देखें और आपके अच्छे प्लैनेट्स की तरफ देखें, तो मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगा, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपके हॉरोस्कोप के अंदर, आपकी हॉरोस्कोप ये दिखा रही है कि आप काफ़ी फिटनेस फ्रीक हैं, आपके अंदर अग्रेशन भी है, गुस्सा भी है, मगर फिटनेस फ्रीक भी आप काफ़ी हैं। तो आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं जिसके अंदर मॉडलिंग इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि अगर आपके अंदर एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप एक बहुत अच्छे एक्टर बन सक एक्टर हैं, और आप इस तरफ, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ही जाएं, क्योंकि हर एक्टर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ नहीं जा सकता, मगर आप कुछ ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिसके अंदर आप अपनी एक्टिंग स्किल्स को एनालाइज कर सकें, मतलब डेवलप कर सकें। आप जिम इक्विपमेंट्स का काम कर सकते हैं, आप फिटनेस से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं जिसके अंदर आपको, क्योंकि आपकी बॉडी इसके अंदर शो कर रही है कि अगर आपकी, आप अपनी बॉडी से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं जिसमें आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि लोग आपको देखना चाहते हैं, लोग आपकी सुनना चाहते हैं, आपके अंदर एक अलग अट्रैक्शन है। हाँ, लोग आपको यूज़ करते हैं। आप ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, ट्रैवल जिसके अंदर आप खुद अपसेलिंग कर सकें। आप कोई भी काम अगर अपने से रिलेटेड करेंगे कि जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, जिसमें आप एक ब्रांड बन के आप उसको अपसेलिंग कर सकें, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो ये मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा आपकी हॉरोस्कोप देख के, कि ये फील्ड आपके लिए अच्छा है और इस फील्ड में अगर आप जाएंगे तो ज़रूर सक्सेस पाएंगे। तो आइए बात करते हैं हमारी अगली रिक्वेस्ट की, जो कि है मंजू जी की। मंजू जी का सवाल है कि गवर्नमेंट जॉब भाग्य में अगर है तो कब मिलेगी। तो आइए चेक करते हैं। मंजू जी, जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, काफ़ी हार्ड टाइम से आप निकले हैं, अभी टाइम कुछ बेटर हो रहा है, क्योंकि आपने बेसिकली काफ़ी मेजर पीरियड ऐसा प्रेशर के अंदर आपने निकाला है अभी, जो कि अभी ख़त्म हो चुका है, मगर एंग्जाइटी अभी भी है। एंग्जाइटी है अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की। आपने मुझे टाइम बता दिया है 8:30 का। मंजू जी, जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ आपकी हॉरोस्कोप के अंदर, 8:26 पे प्लेनेटरी पोजीशंस बिल्कुल चेंज हो रही है। तो इस केस में मुझे आपसे लाइव बात करनी पड़ेगी, उसके बिना मैं ये प्रेडिक्शन नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि जो टाइम आपने मुझे अभी बताया है 8:30 के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल निल है, कि मैं आपको ये नहीं कह सकता कि इसमें गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं, इसमें गवर्नमेंट जॉब मुश्किल है, कि क्योंकि इसमें सन और मून के जो कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं वो शो नहीं कर रहे कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी। तो मैं आपको निराश नहीं करना चाहूँगा, मगर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं टाइम को 3 या 4 मिनट पीछे करता हूँ, तो कुंडली बिल्कुल हॉरोस्कोप चेंज हो जाती है और उसके अंदर चांसेस हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के हैं, मगर ये मैं आपको श्योरिटी ये भी नहीं दे सकता कि हो सकता है आपकी 3 मिनट पीछे हो या 3 मिनट आगे हो, क्योंकि इसके लिए हमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना होता है, जिसके लिए जिसकी भी हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं उसका सामने होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कितने ही लोग, कितने ही हज़ारों करोड़ों लोग इस टाइम पे पैदा हुए होंगे जिस टाइम पे आप पैदा हुए, यही 3-3, 4-4 मिनट का गैप जो कुंडली के अंदर हम डीपली जाते हैं, और तभी हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये जो गवर्नमेंट जॉब है या क्या आपके साथ जो इवेंट्स हो रहे हैं, तभी हम मैच कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि मैं ये प्रेडिक्शन इस टाइम पे आपको कंफर्म नहीं दे सकता कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, मगर जो टाइम आपने मुझे दिया है 8:30, इसके हिसाब से मेरी तरफ से ना है। फिर भी अगर आप इसमें डिटेल में बात करना चाहें तो हम आगे बात कर सकते हैं, मगर अभी के लिए मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ से गवर्नमेंट जॉब इसमें शो नहीं कर रही। तो आइए बात करते हैं हमारी अगली रिक्वेस्ट की, जो कि है विजय दवे जी के नाम से। विजय दवे जी का सवाल है कि हेल्थ और वेल्थ दोनों ही खराब हैं, कब अच्छी होंगी। तो चेक करते हैं विजय जी के बारे में।
विजय जी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों में प्रॉब्लम चल रही है। पहले बात करते हैं हेल्थ के बारे में। आपका पीरियड चल रहा है राहु मार्स वीनस। देखिए, हेल्थ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ के कुछ ऐसे सिम्टम्स बने हुए हैं कि कुछ ऑपरेशन भी या कुछ सर्जरी वगैरह भी माइनर सी हो सकती है। तो कोशिश करें कि ये जो पीरियड है जनवरी तक का, इसको आराम से निकालें। कोई भी राइट लेफ्ट या कोई भी अपनी बॉडी के साथ छेड़छाड़ ज़्यादा ना कीजिएगा। मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि कोई भी डॉक्टर्स भी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कोई अच्छा डॉक्टर ही देखिए, क्योंकि ये पीरियड आपको बड़े ही आराम से निकालना पड़ेगा। हो सकता है, मैं अभी आपसे सामने आप हैं नहीं इसलिए आपसे बात नहीं कर सकता, अगर सामने बात करते तो कुछ पता चलता कि कुछ सर्जरी शायद पहले भी आपकी हुई हो। तो सर्जरीज को आपने थोड़ा सा इस टाइम पे, मतलब अपनी बॉडी को इस तरीके से इस टाइम पे बचाना है या कोशिश करनी है कि सर्जरी तक बात ना पहुंच पाए, क्योंकि सर्जरी अगर होती है तो इस टाइम पे आपके लिए थोड़ी सी फेथफुल नहीं। तो वेल्थ का थोड़ा सा आपको अभी ध्यान रखना है। इसके कुछ आपको रुद्राक्ष पहनना पड़ेगा, जिसमें रुद्राक्ष के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है जो आपके इस बैड प्लैनेट्स को थोड़ा सा कंज्यूम कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इस पे, मतलब इस चैनल पे क्या आपको बता सकता हूँ, आप एक बारी बात कर लेंगे तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा इसके बारे में। तो वेल्थ में आपके, सॉरी हेल्थ के बारे में आपकी जो मैं देख पा रहा हूँ, तो इसको आप थोड़ा सा केयर कीजिए, क्योंकि हेल्थ आपकी थोड़ी सी ख़राब मुझे अभी दिख रही है। ये जनवरी तक का टाइम निकल जाएगा, फिर आपकी दशा चेंज होगी, उसके बाद जुपिटर आएगा। जुपिटर आएगा तो हम कह सकते हैं कि कुछ चेंजेस, क्योंकि तो जुपिटर जो होता है, जो गुरु होता है, ये ऑटोमेटिकली ही बॉडी को हीलिंग देता है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ उसके अंदर आपको बेटर रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं आपकी वेल्थ के बारे में। देखिए, वेल्थ के अंदर आपका शो कर रहे हैं कि जो प्लैनेट्स हैं वो आपको काफ़ी कर्ज दे सकते हैं। कुछ काम आपको फंस के करना पड़ेगा, आप किसी के अंडर कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि मतलब आप चाहते हैं उस कर्ज में से या किसी परेशानी में से बाहर निकलना, मगर अभी निकल नहीं पाएंगे। तो आप जितनी मर्जी कोशिश कीजिए, आप कहीं भी जाइए, जैसे मर्जी कुछ भी आप इसमें कोशिश कीजिए, आप अभी निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि आने वाला टाइम थोड़ा सा और क्रिटिकल भी है। तो मैं आपको कोई भी ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहूँगा, या कोई मिसगाइड नहीं देना करना चाहूँगा, या कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहूँगा। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करके इन्वेस्टमेंट कम से कम कीजिए, क्योंकि पार्टनरशिप में आपको लॉस हो रहा है और पार्टनरशिप में आपको लॉस होगा, मगर आपके पास कोई चांसेस भी नहीं है कि पार्टनरशिप आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पार्टनरशिप के बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो पार्टनर हो वो थोड़ा लॉयल हो, थोड़ा वर्क एफिशिएंसी अपनी बढ़ाइए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो अभी थोड़ी सी कम है, ये थोड़ी सी बढ़ ही सकती हैं वेल्थ को लेके। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप वेल्थ को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट बड़ी सोच समझ के कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट आपके लिए अभी फेथफुल नहीं है। और कोशिश मत कीजिए कुछ भी चीज़ ऐसी अपनी बेच के, या कोई प्रॉपर्टी या कुछ भी आपके पास सेविंग्स हो या फिक्स इनकम हो, उसको बेचने की कोशिश अभी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने उसको बेच के बाहर निकलने की कोशिश की, आप बाहर अभी नहीं निकल पाएंगे और वो भी आपकी लॉस में चली जाएगी। तो इसको अवॉइड कीजिए कोशिश करके, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, हमारे पास और भी कई सवाल आए हुए हैं, और भी कई रिक्वेस्ट आई हुई हैं, मगर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि उन रिक्वेस्ट का हम जवाब कैसे दें। किसी ने पूछा है कि वीज़ा एप्लीकेशन, आपने ये नहीं पूछा वीज़ा कहाँ का आपको लगवाना है, इसमें प्रश्न यूज़ करना है। वीज़ा एप्लीकेशन आप लगवाना चाहते हैं कहाँ की, कब की, कैसे, डेट ऑफ बर्थ कहीं आ रही है तो डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर नहीं है, आप कमेंट्स भी कर रहे हैं, आप वीडियो को देख भी रहे हैं, मगर उसके बाद भी अगर आपके कमेंट सही नहीं है, आपके क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं है, तो उसका जवाब देना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे अब किसी का एक सवाल आया हुआ है, मैं देख पा रहा हूँ कि फैमिली एंड फाइनेंशियल मैटर्स, मैं इसमें क्या बताऊँ जी, फैमिली एंड फाइनेंशियल मैटर्स, क्या आपकी फैमिली में किस चीज़ की प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम शेयर करेंगे तभी मैं बता पाऊँगा, उस सेक्शन को देख पाऊँगा कि, क्योंकि हमारे को हाउसेज रिवॉल्व करने पड़ते हैं कि आप किस सेक्शन या किस फैमिली प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं।
तो अगर आपके क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर होंगे तो हमारी तरफ से कोशिश ये रहेगी कि जवाब आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सही दे पाऊँ। मेरी कोई कोशिश हमारी ये नहीं होती कि आपको किसी प्लैनेट्स के या किसी उसकी लैंग्वेजेस में फंसा के या आपको कुछ ऐसा हैवी वर्ड्स आपको बता सकें जिससे आप और कन्फ्यूजन में आएँ। तो हमारी कोशिश यही होगी कि आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि किसी कोई और भी प्रॉब्लम में हो और उसको हम ये हल दे सकें। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।